बेटा आजाद खान मेरी बात सुन, जोगिंदर के सीने में गोली लगने से पहले ना पुनी सुपरस्टार गोली खाएगा, पुनी सुपरस्टार। ऑल राइट गाइस, तो अब तक आपने आजाद खान और थारा भाई जोगिंदर की कॉल रिकॉर्डिंग तो सुन ही ली होगी, जिसमें आजाद खान थारा भाई जोगिंदर को काफी गालियां दे रहे थे। तो इस पर फाइनली पुनीत सुपरस्टार ने रिएक्ट किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि थारा भाई जोगिंदर को हाथ लगाने से पहले आजाद खान तुझे मुझसे भिड़ना पड़ेगा। आप पूरा वीडियो देखिए। जोगिंदर और आजाद खान की जो है कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, फिर मैं तुमसे बात करता हूं। देख रहे हो मेरे दोस्तों किस तरीके से थारा भाई जोगिंदर को धमकी दी जा रही है, घर से उठवाने की और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बेटा आजाद खान मेरी बात सुन, हिंदुस्तान के अंदर पुलिस से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है और कानून से बड़ा कोई रखवाला नहीं है। बेटा मुंबई पुलिस को जब ये बात पता लगेगी ना कि थाराबाई जोगिंदर हर महीने 3 लाख गरीब लोगों को खाना खिलाता है, तो मुंबई पुलिस छोड़ मुंबई का एक एक गरीब आदमी थाराबाई जोगिंदर के सपोर्ट में आ जाएगा। और बेटा जोगिंदर के सीने पे गोली लगने से पहले ना पुनी सुपरस्टार गोली खाएगा, पुनी सुपरस्टार। लेकिन थाराबाई जोगिंदर के पीछे ना पुनी सुपरस्टार खड़ा है, ध्यान रखिए। और बेटा मुंबई किसी के बाप की नहीं है, मुंबई में हर हिंदुस्तानी जब मर्जी आ सकता है, मैं, जोगिंदर और पूरा भारत, ध्यान रखियो। तो मेरे दोस्तों की आजाद खान कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है जोगिंदर को, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके घर से उठवाने के, क्योंकि आजाद खान को जाना है बिग बॉस, क्योंकि आजाद खान को करनी है कंट्रोवर्सी, क्योंकि आजाद खान को बिग बॉस वाले बुला नहीं रहे। मेरे भाई ऐसे तू कभी बिग बॉस में नहीं जा पाएगा, आजाद खान ऐसे तू कभी बिग बॉस में नहीं जा पाएगा। बेटा तू अच्छा खासा कोई छोटा मोटा सीरियल पकड़ ले तो वो बहुत अच्छी बात है। और मेरे दोस्तों कोई भी किसी की माँ के बारे में गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि माँ माता रानी होती है। अभी आएगी मुंबई पुलिस, अभी आएंगे मुंबई के बड़े बड़े लोग, शेयर करो वीडियो उठा के और बताओ लोगों को कि आजाद खान ने थाराबाई जोगिंदर को कितनी गंदी गंदी गालियां दी है, माँ की, बहन की। बेटा नहीं जा पाएगा बिग बॉस भाई, मेरे आजाद खान तू नहीं जा पाएगा, मेरे दोस्त बिग बॉस के अंदर तू नहीं जा पाएगा मेरे भाई, मैं अभी भी समझा रहा हूं। क्योंकि जो बंदा एक बार बिग बॉस में चले जाता है उसे बिग बॉस वाले दोबारा नहीं लेते, और फेक कंट्रोवर्सी वालों को तो बिल्कुल भी नहीं लेते मेरे भाई, नहीं जा पाएगा बिग बॉस। इससे बढ़िया भाई ये है कि मेरे साथ कोई अच्छी खासी फिल्म कर ले, दो पैसे भाई तू भी कमा ले, दो पैसे मैं भी कमा लूं, और ताकि दोनों भाई मिलकर अपना घर चला ले, आटा वाटा लिया है, राशन वाशन लिया है, क्योंकि भाई मेरे को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं भी नल्ला बेरोजगार हो चुका हूं। और भाई मेरे फेक कंट्रोवर्सी से, क्योंकि बिग बॉस वालों को सब पता है कि तू फेक कंट्रोवर्सी कर रहा है क्रिएटरों के साथ ताकि तू हाइप में आ जाए और बिग बॉस चला जाए, बिग बॉस वाले भाई नहीं लेंगे तुझे कभी भी बिग बॉस। तो गाइज अब देखते हैं आजाद खान इस पर कुछ रिएक्ट करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।